एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मीनाक्षी रावत और आप देख रहे हैं मीनाक्षी रावत व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं सभी काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हूं। तो काफ़ी दिनों बाद आज मैं व्लॉग बना रही हूं, क्योंकि बहुत दिनों से ना व्लॉग बनाने का कुछ हो ही नहीं रहा था। मतलब क्योंकि आजकल दिन इतने छोटे हैं, फिर बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल से इतने लेट आते हैं, 3 बजे 4 बजे, तो फिर उसके बाद अंधेरा जल्दी हो जाता है। आजकल 5 साढ़े 5 बजे अंधेरा हो जाता है, तो फिर व्लॉग नहीं बन पाता है, क्योंकि कुछ होता भी नहीं है करने के लिए। मतलब यानी कि दिखाने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है डे टू डे लाइफ में, और ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है। इतने छोटे दिन हैं तो बस ऐसे ही कामकाज करने में कुछ दिन निकल जाता है, तो इस वजह से। बट अब मैंने सोचा आज बनाती हूँ व्लॉग, और आज भी मैं अभी दिन में स्टार्ट कर रही हूँ। अभी दिन के 1 बज चुके हैं और धूप आई है। अब सुबह से इतना कोहरा लगा हुआ था यहाँ पे, तो आप बताना आपके वहाँ पे कैसा हो रहा है मौसम। यहाँ पे काफ़ी ठंड हो चुकी है और कोहरा था सुबह तो बहुत देर में धूप आई आज, और धूप भी बहुत हल्की है। मतलब बहुत ज़्यादा तेज कड़क वाली धूप नहीं है, तो यहाँ पे नीचे पे तो धूप ही नहीं आ रही है अच्छे से। बस फिर इस वजह से थोड़ा सा लेज़ी हो रही हूँ मैं, और बस सोचा आज व्लॉग बनाती हूँ। तो अभी मम्मी और भाभी लोग गए हुए हैं गोबर वगैरह लेने के लिए, और पापा भी, मतलब पापा आए हुए हैं छुट्टी कुछ दिनों के लिए, तो पापा भी मतलब गए हैं उनकी हेल्प करने के लिए। पापा लेके आ रहे हैं। पापा सुबह से बहुत सारा काम कर लिया पापा ने। इधर काम चल रहा है बहुत ज्यादा जोर शोर से। प्याज की उसके लिए इधर प्याज लग रहा है, यहाँ पे प्याज लग चुके हैं। बुआ नमस्ते। बुआ नमस्ते। प्याज लगा दी? और यहाँ पे गोबर निकाल रहे हैं, गोबर खेंड रहे हैं। ओ भाभी छत पे धूप सेक रहे हैं बच्चे। हाय डुगू, ऐसा हाथ हिलाके कर, ऐसे कर हाथ हिलाके। चिकन पॉक्स हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आंटी लोग के यहाँ पे हम दूध लेने आते हैं, तो उनका यहाँ पे ये गोबर रखा हुआ है, तो ये गोबर को सुखाएंगे। ये पूरा गीला है गोबर, तो इधर देखो कैसा लग रहा है भाभी आपको। गांव की याद आ रही है? गांव की याद आ रही है। भाभी ने बहुत मोन निकाल रखा है। मम्मी निकालने लग गए, पता नहीं क्या कर रही हैं। क्यों निकाल रहे हो ऐसे? सुखाने के लिए रख रहे हैं यहाँ पे। तो ये पापा लेके आ गए हैं एक और कट्टा गोबर का, जिसको कि इधर पे रखेंगे हम। आज हमने गाड़ी भी धोई है, गाड़ी पे बहुत डेंट आ चुके हैं मेरे भाई की वजह से। और बाकी इधर पे अभी पापा खेत काफ़ी खाली हो चुका है, हल्दी निकाल चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे हमारे कड़ी पत्ता का पेड़ भी हो रहा है, ये कड़ी पत्ता है। और यहाँ पे ये गट्टे रख चुके हैं गोबर के, अभी छोटे छोटे और लेके आ रहे हैं। और इधर पे भी थोड़ी थोड़ी क्यारी बनाती है, इधर पे प्याज लगाएंगे, तो प्याज लगाने के लिए इधर पे कर दिया है। बाकी चीज़ें हो रही है। ये देखो पहाड़ी वाला पालक है, ये पहाड़ी पालक बोलते हैं इसको। इसकी थोड़ी सी लीव्स डिफरेंट होती हैं, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। ये इस तरीके की इसकी लीव्स होती हैं, बट ये पालक ही होता है, मतलब पालक का ही एक वेरिएंट है, ये एक तरीके का पालक है। और ये तो मूली वगैरह तो हमारे आजकल खेत में हो जा रही है, तो सैलड के लिए, तो मूली के लिए हमें इधर उधर जाना नहीं पड़ रहा। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको इधर इतनी, मतलब हमारे खेत में ना मूली हो ही जा रही है, तो खाने के लिए तो हमें जाना नहीं पड़ रहा। ये मैं बता रही थी आपको कि ये सब खाने लायक के लिए तो हो ही जा रही है, जैसे मैं दिखाती हूँ, ठीक है? ये देखो हो रही है ना, ये वो भी हो रही है उधर पे, और उस, मतलब ये सारे मूली के पत्ते हैं, तो कुछ होने से लग गई हैं खाने लायक, जैसे कि ये। और ये धनिया हो रहा है, धनिया तो काफ़ी मतलब हो गया ना, बेकार सा हो रहा है ये, अच्छा नहीं हो रहा है, पीले पीले पत्ते हो चुके हैं। और
इधर पे मतलब लहसुन वगैरह भी हो रहा है। और ये है दूसरा जो पालक हम लोग नॉर्मली खाते हैं, तो ये स्पिनच, ये वाला आपने देखा होगा, यही मिलता है मार्केट में भी। तो ये बथुआ भी हो रहा है और बथुए के पराठे वगैरह हम खा चुके हैं आजकल, खा रहे हैं मतलब। और ये तो पालक ही है, जो कि पालक पनीर बनता है ना, वो ही वाला पालक। तो ये नॉर्मल पालक है जो कि होता ही है, और जो मैंने आपको दिखाया काटे काटे वाले जैसे पत्ते, तो वो जो है वो हमारा पहाड़ी पालक होता है, उसे पहाड़ी पालक बोलते हैं हम लोग, और वो काफ़ी टेस्टी भी होता है। और इधर पे बाकी शायद ये गाजर का है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है, बट जब ये होगा तो शायद इसकी खुशबू से मुझे यही लग रहा है ये पालक है। पीछे से सनलाइट आ रही है तो मैं सही से दिख नहीं रहूँगी। ये पालक है, इधर पे भी धनिया हो रहा है, वो मटर की बेल हो रही है, ये वाली मटर। और यहाँ पे हो रही है ये मेथी, ये रे मेथी के पत्ते, तो मेथी हो रहे हैं। और मेथी फिर इसके बीज भी हो जाते हैं छौका वौका लगाने के लिए, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत तो हो ही जाते हैं, और बोने के लिए हल्के फुलके। और बाकी आजकल मेथी के पराठे खाओ जम के बस। बाकी पापा लगे काम करने में, लेके आने में लगे हुए हैं। ये पता नहीं आजकल मक्के का ये खुद से हो चुका है, बट इसमें मक्का होगा या नहीं पता नहीं। बाकी बस इतना ही कुछ है, अभी लगाएंगे प्याज वगैरह, तो फिर प्याज होंगे। पापा थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, लगे हैं काम करने में। और यहाँ पे भी मम्मी ने राई के पत्ते बो दिए, मैंने रिंगराज बोया था बट वो हुआ नहीं, तो फिर अभी राई के पत्ते बो दिए मम्मी ने यहाँ पे। हम चलते हैं अंदर और करते हैं काम काज। स्टे ट्यून्ड। और ये दादाजी भी आ गए हैं कचमोली, दादाजी कचमोली खाने जा रहे, संतरे माल्टे की, माल्टा खाने के लिए। अभी दादाजी को लेटाएंगे, दादाजी भी बाहर घूम लिए, दादाजी ने धूप खाली बहुत। और यहाँ पे बन रही है कचमोली, यानी कि जो माल्टा होता है संतरे जैसे, उसका कचमोली बना रही है चाची, तो ये हम खाएंगे अभी। इसमें पिसा हुआ नमक, चटनी जो होती है वो हरा वाला, और चीनी डाली हुई है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खट्टे हैं, तो इस वजह से इसमें चीनी डाली हुई है। ये गांव से आए हुए थे, तो अभी हम ये खा रहे हैं, अभी खाएंगे मतलब अभी बन रहा है, चाची बना रही है, फिर अपन खाएंगे। और दादाजी लेट चुके हैं हमें, अभी यहाँ पे धूप नहीं आ रही हमारी इधर पे, अभी धूप आई नहीं है साइड पे, धूप आ जाती तो बढ़िया से उधर की तरफ आ रही है धूप, पर इधर धूप नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा नमक कम पड़ गया है, तो ये नमक मैंने पीसा था खाने के लिए, मतलब कि अभी सैलड वगैरह में डालने के लिए सही लगता है, तो इसलिए ये इसमें डालेंगे अभी हम, और क्योंकि नमक पड़ चुका है कम इसमें। इसमें पीस रखा है धनिया, पुदीना, जीरा और क्या है, और नमक डाला है, चीनी डाली है, चीनी नहीं, चीनी तो उसमें डाली है कचमोली में, नमक में नहीं डाला है, इसमें तो डाली है। हाँ कचमोली में डाली है, और ये बहुत टेस्टी होने वाला है अभी, इसे हम खाने वाले हैं। यहाँ पे गैंत रखी हुई है, और ये अगर आपको भी खाना है तो आ जाओ गाइस खाने के लिए। चाची ने बनाया है कचमोली, दादी अभी पहले से ही चटकारे ले रही हैं, पहले ही चटकारे ले रही हैं, हैं रख लो खट्टा में, खा के टेस्ट करके देखो ना, जब पता चलेगा। ये देखो आप चाची को चटकारे लेते हुए, मैं खाती हूँ। मैंने ना हींग भी डाला है ना उसमें, हींग की खुशबू आ रही है ना मस्त वाली, का टेस्ट आ रहा है ना, हींग भी डाला था मैंने नमक में, मस्त लगती है मेरे को हींग की खुशबू, खट्टे नहीं है, संतरे भी डाल लो दीदी, बस नहीं हुई फल खाने चालू चली हो गई, चीनी तो डाल रखी है। हां भैया तब खाएगा, मैंने तो कभी नहीं खाऊं, बहुत मजा आ रहा है, खट्टा लग रहा है देखो,
सबके सब खा रहे हैं यहाँ पे। आप भी इधर आ जाओ तो अभी खा लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं गाइस। मिलते हैं तुम्हारे बाद। हाय खा लो तो अभी काफी धूप आ चुकी है और धूप के साथ साथ मेरी चाची भी आ चुकी है। हाय धूप। हाय गाइस। तो अभी हम धूप सेक रहे हैं, सबके सब आ रहे हैं। थोड़ा रेस्ट किया, खाना खाया, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी आ गई चाची। अब फिर जा रही हैं आई और जा रही हैं। नहीं आई, काफ़ी देर हो गई आई। धूप सेकी उन्होंने, फिर उसके बाद अभी जा रही हैं। और दीदी भी आ चुके हैं, कल्पना की मम्मी घूमने वहाँ भी आ चुके हैं। नहीं क्यारी के लिए, क्यारी के लिए आ रखी है भाभी भी। तो यहीं लंच वंच करते फिर बसेरा दिन का। आज ढाबा नहीं रुके, नहीं ऊपर रुके, अभी तो आए नहीं। नमस्ते। तो भाभी फिर से रेडी होके आ गई हैं गोबर निकालने के बाद। गोबर निकाल के फिर से रेडी होके आ गई हैं दोबारा से खेत में काम करने के लगाने के लिए, प्याज लगाने के लिए, प्याज लगाने के लिए आ गई दोबारा से। तो यहाँ पे अभी ये प्याज की पौध निकाल रहे हैं, अभी देखते हैं कितनी प्याज लगाएंगे और कितनी प्याज होंगी। पिछली बार की तो प्याज हमारी सड़ गई थी सारी, गल गई थी बेचारी। तो अभी आधी निकाली है और ये आधी रहेगी है पौध। और अभी उधर पे ले गए मम्मी लोग पौध और वो पापा भी आ गए हैं और उधर पे लगाएंगे और नहीं ले गया कुटू पौध यहाँ पे। कॉल आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये लोग लगा रहे हैं प्याज। यहाँ पे पौधे निकाल लिए और अब प्याज लगा रहे हैं। यहाँ पे प्याज की क्यारी बना रहे हैं बढ़िया से, इसमें धनिया भी छिड़क दिए इन्होंने। तो ये की क्यारी में सब कुछ चाहिए ना, प्याज भी, धनिया भी, मूली भी, सब कुछ, सब कुछ भू दिया। कुछ भी हो जाए, बल प्याज हो जाए, चाहे धनिया हो जाए, चाहे मूली हो जाए, सब हो जाए एक साथ। वो पापा भी लगा रहे हैं। नेट मेट से मेरा पार्सल आया था तो भैया यहाँ आ चुके हैं उधर। तो ये क्यारी बन चुकी है पूरी, लग चुके हैं प्याज यहाँ पे। तो ये ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, देखते रहें मीनाक्षी रावत व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड यंग।